नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। आप देखना शुरू कर चुके हैं NMF न्यूज। बात होगी अरविंद केजरीवाल, सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार की। दरअसल आम आदमी पार्टी की सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिली है। इसके अलावा केंद्र सरकार पर जिस तरीके से अब दिल्ली के सीएम आरोप लगा रहे हैं, उसके बाद राजनीति भी खूब हो रही है। आपको बता दें कि लंबे वक्त से मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में इस वक्त अंदर हैं और उनको जमानत नहीं मिल रही है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं, पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। और इसी बीच एक मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की सरकार से विज्ञापन का ब्यौरा मांग लिया है, जिसके बाद उनकी टेंशन बढ़ गई है। समझाएंगे दोनों मामले विस्तार से क्या हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार को फटकार लगी है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि केजरीवाल को कोर्ट से डांट पड़ी है। और पहला मामला क्या है वो आपको बता दें कि शराब घोटाला वाला मामला जो है उसको लेकर इस वक्त बुरे फंसे हैं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी। अब इसमें हुआ ये कि जमानत देने से इनकार कर दिया है कोर्ट ने। शराब घोटाले पर मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिली है और केजरीवाल का केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर इसके बाद आरोप लगाना जिस तरीके से हमेशा होता है वो जारी है। दरअसल जब जमानत नहीं मिली मनीष सिसोदिया को, तो अरविंद केजरीवाल ने फिर से एक बार केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि उन्हीं की तरफ से ये सब कुछ किया जा रहा है, इसीलिए मनीष सिसोदिया को बेल नहीं दी जा रही है। अब इसके बाद चलें तो वो कह रहे हैं कि आपको बता दें कि CBI ने पहले ही सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। तो ये तीन पॉइंट्स जो मैंने समझाया कि शराब घोटाले पर मनीष सिसोदिया को बेल नहीं, केजरीवाल का केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर फिर इसके बाद आरोप लगाना और सीबीआई ने पहले ही सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है, यानी अभी ईडी के पास भी मामला चल रहा है, सीबीआई के पास भी चल रहा है, तो लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। लेकिन जितनी बार जमानत याचिका खारिज होती है उतनी बार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सामने आते हैं और सीधे सीधे आरोप लगाते हैं केंद्र सरकार पर, पीएम मोदी पर, कि इनकी सह पर सब कुछ हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ और कोई मामले में अगर उनके हित में फैसला आता है तो वो वाहवाही करने लगते हैं। ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर इस वक्त लड़ाई चल ही रही है। तो जो अरविंद केजरीवाल लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं और मनीष सिसोदिया को लेकर वो लगातार केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शराब घोटाले में उनका नाम नहीं है, कोई शराब घोटाला नहीं हुआ, वो पाक साफ हैं। ऐसे में अब एक बार फिर से उनको जमानत याचिका उनकी खारिज कर दी गई और जमानत नहीं दी गई तो आम आदमी पार्टी बौखलाई हुई है। अब इसके बाद आगे चलें तो आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया वाले ही मामले में ईडी के केस में कोर्ट ने कहा है कि इस वक्त सिसोदिया को जमानत नहीं दी जा सकती है। ये आपको बता दें कि ईडी के केस में जब सुनवाई चल रही थी तो कोर्ट ने साफ कह दिया कि मनीष सिसोदिया को जमानत किसी भी कीमत पर अभी नहीं दी जा सकती है। उसके पीछे कारण, सिसोदिया बड़े पद पर रहे हैं, जमानत मिलने पर गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। शराब घोटाले में सिसोदिया के साथ दूसरे आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। ये देखिएगा, सबसे मेन ये है कि सिसोदिया बड़े पद पर रहे हैं, जमानत मिलने पर गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, ये कोर्ट ने कहा है। आप सोचिए कि कोर्ट को पता है कि अगर शराब घोटाले में जमानत मनीष सिसोदिया को दे दी जाती है तो वो गवाहों को धमका सकते हैं, इसके अलावा वो कई सबूत मिटा सकते हैं। इसलिए कोर्ट ने कहा है कि अभी इस वक्त तो किसी भी हाल में मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं दी जाएगी। तो यह पहला मामला है जिससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार को बड़ा झटका लगा है और मनीष सिसोदिया को जमानत एक बार फिर से नहीं मिली है। अब दूसरे मामले पर चलेंगे। दूसरा मामला आएगा आपको RRTS का। समझाएंगे क्या है पूरा मामला और क्यों इसको लेकर विवाद चल रहा है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है, क्योंकि मामला पैसे का है और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो विज्ञापन पर पैसा दिल्ली सरकार खर्च कर रही है उसका ब्यौरा मांग लिया है। सबसे पहले आपको बता दें कि RRTS रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ये पब्लिक प्रोजेक्ट है आपको बता दें, और दिल्ली सरकार ने निर्माण में फंड देने में अब इसमें असमर्थता जता दी है। दरअसल ये प्रोजेक्ट राजधानी दिल्ली को राजस्थान और हरियाणा से जोड़ेगा, लेकिन अब आम आदमी पार्टी की सरकार कह रही है कि उनके पास पैसा नहीं है, वो पैसा नहीं दे पाएंगे, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई है केजरीवाल सरकार को। अब आपको आगे थोड़ा और जानकारी इसके बारे में दे दें। दरअसल इस मामले में दिल्ली सरकार ने कोर्ट को बताया कि पैसे की
कमी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये वही सरकार है जो कि बड़ी बड़ी होल्डिंग्स हर मामले में लगा देते हैं। बड़े बड़े अखबारों में आप देखेंगे लगातार उनके विज्ञापन आपको देखते रहते हैं, वो पैसे की कमी बता रहे हैं। कितना पैसा, अब ये बता रहा हूँ मैं आपको। ये पूरा प्रोजेक्ट जो है RRTS का, ये 30,274 करोड़ का है। केजरीवाल सरकार को इसमें 1,180 करोड़ देने हैं, बाकी राजस्थान की और हरियाणा की सरकार इसमें है और केंद्र सरकार हर प्रोजेक्ट में पैसा देती ही है। अब टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार ये खबर है कि केजरीवाल सरकार ने 765 करोड़ दिए, 415 करोड़ रुपए बकाया है। मतलब कि जो ये अब खबरें हैं उसमें ये कहा गया है कि केजरीवाल सरकार ने 765 करोड़ दिए, 415 करोड़ रुपए इसमें बकाया है। अब इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और इस मामले में अब अरविंद केजरीवाल की सरकार लगातार घिरती जा रही है। और दिल्ली सरकार ने पैसे की कमी बताई तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद फटकार लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 3 साल के विज्ञापन पर हुए खर्च का ब्यौरा मांग लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते के भीतर फंड की जानकारी जुटाकर मुहैया कराने का आदेश दे दिया है। तो अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि अरविंद केजरीवाल, जो कि सुप्रीम कोर्ट में इनकी पार्टी, इनकी सरकार की तरफ से पेश हुए वकील बोल रहे थे कि भाई उनके पास पैसे की कमी है, तो उन्हें लगा कि हाँ सुप्रीम कोर्ट इनके साथ, इनके हक में फैसला देगा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इनके ही ऊपर सवालों की बौछार कर दी और कहा है कि विज्ञापन पर आप खर्च करते हैं, क्या हम पूरा ब्यौरा आपसे लें? तो उन्होंने साफ कहा कि आप ब्यौरा दीजिए 3 हफ्ते में, कितना खर्च करते हैं जो आप पैसे की कमी बता रहे हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से लगातार मुश्किलें दिल्ली सरकार की बढ़ती जा रही हैं और आम आदमी पार्टी को जमकर फटकार लगी है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। इसके अलावा मनीष सिसोदिया वाले मामले में भी लगातार ये सरकार फंसती जा रही है। तो पूरा ये मामला आप समझ गए होंगे किस तरीके से पब्लिक प्रोजेक्ट को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार के पास पैसा नहीं है, विज्ञापन पर खर्च करने का पैसा खूब है। इसके अलावा सिसोदिया वाले मामले में जो शराब घोटाला वाला मामला, उसमें लगातार केंद्र सरकार को कोस रहे हैं। ये सब मामलों से आप बाकायदा समझ सकते हैं कि किस तरीके से इस वक्त राजनीति हो रही है और किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की केंद्र सरकार से ठनी हुई है। बाकी जो भी अपडेट इस मामले में जुड़ी हुई आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल NMF न्यूज़ पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।